And a very good evening, everyone. I am Anukriti Chauhan, and I welcome you all on this platform of Samyak, where we are going to have a really great discussion on a very interesting and a very important topic. In this particular class, guys, you will be able to cover up the sects and their founders with the areas in which they have started their particular sect. We Sant and तो उन संप्रदायों से एसोसिएटेड या संतों से एसोसिएटेड जो एरियाज़ हैं और फाउंडर्स हैं वो आप इस क्लास में क्विक फॉर्मेट में कवर कर लोगे तो फटाफट से अपनी बुक्स और कॉपीज खोलो और टॉपिक लिखो जल्दी से आज की क्लास का दैट इज नन अदर देन देन ऑफ द सेक्स एंड देयर फाउंडर्स किसकी बात कर रहे हैं हम सेक्ट्स एंड देयर फाउंडर्स की लिख लो जल्दी सेक्ट्स एंड Their founders कि उनके संस्थापक कौन रहे ठीक है तो एक काम करो जल्दी से एक टेबल बना लो अपनी बुक्स और कॉपीज में जल्दी से एक टेबल बना लो ठीक है इस तरह से टेबल बना लो, ओके, और लिखना शुरू करो पहला सेक्ट जो आता है सेक्ट्स का नाम आप यहां लिखेंगे फिर आप लिखेंगे उनके फाउंडर्स का नाम कि कौन से लोग हैं जिन्होंने उसे फाउंड किया तो फाउंडर्स का नाम अलोंग विद द फाउंडर्स हम यहां पर लिखेंगे कि उसका एरिया कौन सा रहा इज दैट क्लियर तो जल्दी से पहला लिखो किसके बारे में बात करते हैं हम संतों के संत कौन है संतों के संत कौन है भैया दादू दयाल जी उनका सेक्ट का नाम था दादू पंथी दादू पंथी सेक्ट फाउंडेड बाय दादू दयाल दादू दयाल जी एरिया नारायणा जयपुर एरिया रहा नारायणा ऑफ जयपुर याद है या नहीं याद है इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट सेक्ट आता है वो आता है जसनाथी सेक्ट कितने लोगों ने जसनाथी सेक्ट के बारे में सुना है कितने लोगों ने जसनाथी सेक्ट के बारे में सुना है फटाफट से लिख दो जसनाथी सेक्ट फाउंडर रहे जसनाथ जी एरिया रहा कटरी आसर बीकानेर वाला कौन सा कटरी आसर ऑफ बीकानेर इज दिस क्लियर दादू पंथी देन जसनाथ जी इसके बाद में कौन सा सेक्ट इंपॉर्टेंट आता है लाल दासी सेक्ट कितने लोगों को पता है लाल दासी सेक्ट के बारे में इसके फाउंडर रहे लाल दास जी एरिया रहा धूड़ी दूब कहा धूड़ी दूब भैया लाल दासी सेक्ट के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अलवर साइड है ना तो अलवर ये तीन सेक्ट देख लो फटाफट से दादू पंथी हो गया जसनाथी सेक्ट हो गया और इसी के साथ साथ में कौन सा सेक्ट हो गया लाल दासी सेक्ट हो गया क्लियर है इतना तब तो नेक्स्ट क्लास पे वर्क करते हैं बताओ क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्या चलो वापस से यही टेबल बनानी है जल्दी बना लेते हैं ताकि काम और आसान हो जाएगा इस बार चार लोगों के बारे में जान लेंगे एक ही पेज पे ठीक है ताकि क्या आसानी रहेगी थोड़ी क्लियर है टेबल सबको दिख रही है टेबल सबको दिख रही है इसका हाँ कलर वगैरह अभी मैं चेंज कर दूंगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये अब क्लियर है टेबल चलो फटाफट से लिखना शुरू कर दो अब ये लाल दासी जसना थी और आपके दादू पंथी के बाद जो एक सेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका चरण दासी चरण दासी सेक्ट इसके फाउंडर रहे आपके मेरे को सबका वो याद रहता है दादू दयाल जी चरणदास जी इसके फाउंडर रहे एरिया रहा दिल्ली किस एरिया में सबसे ज्यादा ये चरणदासी सेक्ट के फॉलोअर्स रहे आपके दिल्ली के अंदर रहे क्या इतना क्लियर है क्या इतना क्लियर है चलो फिर देखो नवलदास जी सेक्ट नवलदासी सेक्ट या नवलदास जी का सेक्ट ये रहा आपके जोधपुर के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जोधपुर में आपके नवलदासी सेक्ट के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं इसे नवल सेक्ट या नवली सेक्ट भी कहा जाता है ठीक है ठीक है था? तो जोधपुर से क्या और कोई सेक्ट है क्या कोई और सेक्ट है क्या जोधपुर से है क्या नाथ सेक्ट है मैम मत्स्येंद्र मतलब नाथ से एसोसिएटेड मत्स्येंद्र नाथ जी से एसोसिएटेड है कहाँ पे है भैया ये भी जोधपुर के अंदर ही है अच्छा ये नाथ सेक्ट के ऊपर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नाथ सेक्ट से पूछा जाता है तो एक बार के लिए इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना मत्स्येंद्र नाथ जी से है अच्छा अगर जोधपुर के अंदर भी स्पेसिफिक आपसे पूछ रहे तो महामंदिर है महामंदिर ऑफ जोधपुर क्या इतना याद रहेगा चरण दासी हो गया नवलदास या नवल सेक्ट हो गया नाथ सेक्ट हो गया इसके बाद में आता है भैया राजा राम सेक्ट तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑल ओवर राजस्थान में इसका स्प्रेड आपका देखने को मिला था राजा राम जी का सेक्ट है राजा राम सेक्ट है और राजा राम जी ही इसके फाउंडर हैं राजस्थान से इसका लोकेशन एसोसिएटेड है इज दिस क्लियर टू यू इज दिस क्लियर टू यू प्लीज कैन वी शिफ्ट टूवर्ड्स पॉइंट ऑफ डिस्कवरिंग दीज एसोसिएटेड थिंग्स चलो कलर चूज कर लेते हैं टेबल बना लेते हैं फटाफट से अभी मेरे को ट्रिक पता चल गई है टेबल को एक कलर की बनाने की चलो कोई बात नहीं थोड़ी बहुत तो गड़बड़े होती ही हैं डिजिटल बोर्ड है ये थोड़ा अपनी स्टाइल से चलता है हम्म ठीक है चलो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट के बारे में बात करते हैं वल्लभ सेक्ट के बारे में कितने लोगों को पता है वल्लभ सेक्ट के बारे में कि वल्लभ सेक्ट की बात हम करते हैं कितने लोगों को पता है वल्लभ सेक्ट के बारे में बताओ जल्दी जल्दी वल्लभ सेक्ट भैया वल्लभ सेक्ट आपका एक बहुत प्रोमिनेंट सेक्ट है राजस्थान का आचार्य जी से एसोसिएटेड है और राजसमंद एरिया में सबसे ज्यादा इसका स्प्रेड और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हमें वल्लभ सेक्ट के कहा देखने को मिलते हैं राजसमंद एरिया में हमें देखने को मिलते हैं ठीक है इसके बाद में देखो एक और सेक्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है कहां का है ये भी आपके पर्टिकुलरली हम ये नहीं कहूंगी मैं आपको कि राजसमंद रीजन का ही है लेकिन राजसमंद के आसपास का ही हम इसे कंसिडर करेंगे ठीक है लिख लो पशुपत सेक्ट सुना है किसी ने पशुपत सेक्ट के बारे में पशुपत सेक्ट भी एक बहुत बड़ा सेक्ट की काउंटिंग में आता है लकुलिश जी जो है वो इससे एसोसिएटेड है इसके फाउंडिंग से एक लिंग जी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक लिंग जी मेवाड़ साइड पे जब हम पढ़ते हैं एकलिंग जी के दीवान थे मेवाड़ी सारे तो एकलिंग जी उदयपुर में सेक्ट की बहुत मान्यता है इस संप्रदाय की बहुत मान्यता पशुपत सेक्ट की वहां पे देखने को मिलती है इसके बाद आता है विष्णोई सेक्ट विष्णोई सेक्ट तो भैया जम्बो जी के बारे में कितने लोगों ने सुना है जी और पर्टिकुलरली रीजन देखोगे तो बीकानेर स्पेसिफिक पूछे तो मुकाम ये आपके जम्बोजी विष्णुई सेक्ट से एसोसिएटेड थे विष्णुई कास्ट के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा ना तो विष्णुई सेक्ट कौन सा विष्णुई कास्ट कौन सी होती है जो विष्णुई सेक्ट को फॉलो करती है मुकाम बीकानेर का रेफरेंस हम इसमें देखते हैं क्लियर है इतना क्लियर है क्या इतना जल्दी बताओ हाँ जी ठीक है इसके बाद में जो सेक्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट आपका है ठीक है राम स्नेही बहुत ही स्नेह है भैया इस सेक्ट में बहुत ही स्नेह और बहुत ही प्यार जो है मतलब ये कहता है पीस को ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये है अगर इसके फाउंडर्स की बात करते हैं तो रामचरण जी इसके फाउंडर हैं और अगर इसके स्पेसिफिक <coughs> एरिया की बात करोगे तो शाहपुरा वाला एरिया शाहपुरा जयपुर वाला ना शाहपुरा भीलवाड़ा वाले एरिया में आपके राम स्नेही सेक्ट के फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं तो क्या क्लियर हो गया अभी तक कितने सारे सेक्ट पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट आप है ना तेरा सेक्ट पढ़ चुके हो दादूपंथी जसनाथ जी लालदास जी चरणदासी नवलदासी नाथ राजा वल्लभ सेक्ट पशुपत सेक्ट विष्णोई सेक्ट राम स्नेही सेक्ट अब कौन से सेक्ट बच रहे हैं आपके फटाफट से मुझे कॉमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ कि कौन से सेक्ट आपके बच रहे हैं बहुत ज्यादा तो नहीं बच रहे हैं एक दो सेक्ट बच रहे होंगे हाँ जी हाँ जी यस एक बच्चे का आ गया है कि मैम निम्बार्क नहीं बताया आपने तो भैया मैंने कब नहीं बताया मैंने तो बोला मैं बता रही हूं अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं सेक्ट मैंने बोला मैं अभी बता रही हूं अभी आपके सेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तो हम पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? अभी तो दो या तीन सेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बचे हैं हम्म चलो बताओ निम्बार्क सेक्ट कौन हो गए इसके निम्बार्क आचार्य रीजन हो गया सलेमाबाद सलेमाबाद हमने कल कहां पढ़ा था फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ सलेमाबाद अजमेर वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा इस निम्बार्क सेक्ट की बात हम करते हैं क्या इतना क्लियर है इतना क्लियर है ठीक है फिर आता है आपका रमानंदी सेक्ट रमानंद साहब से एसोसिएटेड है रमानंद जी से एसोसिएटेड है रमानंदी सेक्ट गलता जी जयपुर में इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस रमानंदी सेक्ट को मानते हैं अब क्या करेंगे भैया एक लास्ट सेक्ट को डिस्कस करेंगे जो है आपका आलखिया सेक्ट कौन सा सेक्ट है आलखिया सेक्ट सुना है क्या आलखिया सेक्ट के बारे में बिल्कुल सुना है मैम स्वामी लालगिरी जी इससे एसोसिएटेड हैं और मैम जो इसका एरिया है वो आता है आपका बीकानेर तो मैम इसी प्रकार से हमारे जितने भी आपके सेक्ट्स हैं संत संप्रदाय हैं वो आपने एक शॉर्ट क्लास में हमको करा दिए बिल्कुल करा दिए भैया मैंने दादूपंथी बता दिया मैंने लालदास जी बता दिया मैंने जसनाथ जी बता दिया इसी के साथ साथ में मैंने आपको वल्लभ बता दिया मैंने आपको ये बता दिया कि बिश्नोई क्या है इसी के साथ में आपको मैंने रामस नहीं बता दिया मैंने आपको आड़खिया बता दिया मैंने आपको निम्बार्क बता दिया मैंने आपको राजा राम का बता दिया मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे सेक्ट जो है नवल सेक्ट मैंने आपको बता दिया नाथ सेक्ट मैंने आपको बता दिया इनके फाउंडर्स के बारे में बता दिया इसके एरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया